हेलो बच्चा लोग, आई होप यू आर एंजॉइंग। घर पे आराम चल रहा होगा, क्या बात है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन, मज़ा ही मज़ा, राइट? तो आई होप आप लोगों का फिलहाल जो समय बीत रहा होगा वो काफ़ी सारा आराम चल रहा होगा, बाहर जाना नहीं, घर बैठना, दैट इज सोना, पूरा टाइम आराम से बैठे हुए हैं। बट ये जो भी आराम चल रहा है, इसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि हमें पढ़ाई भी करनी है कंटिन्यूसली। हमारे 12th का ईयर है, इंपॉर्टेंट ईयर है, और हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। अब देखो, आपके दिन भर के शेड्यूल में आपके पास बाकी कोई खास टाइम नहीं है। हमने अभी अकाउंट्स वापस शुरू कर दिया है, धीरे धीरे अकाउंट्स का लोड बढ़ेगा। अभी के लिए फिलहाल हम सिर्फ थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शंस देख रहे हैं, इसलिए अभी का पार्ट चल रहा है। मैं आपको अभी जो भी समझा रहा हूँ, इनिशियली शायद कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स लगे, बट ट्रस्ट मी, जब हम सम सॉल्व करेंगे तो मैं वापस इसको रिलेट करके दूंगा, तब आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अभी के लिए हम लोग फिलहाल थ्योरेटिकली थोड़ा पार्ट देखेंगे। तो आपको मैंने कहा था कि एक एक करके हमने पॉइंट डिस्कस किया। अगर आपको याद है, मैंने दो हेडर्स अभी तक के लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए हैं। हमने सबसे पहले समझा था कि अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैंने आपको कहा था शॉर्टकट में उसको PSR कहूंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो मज़्यूम क्या करते हो, क्या है, इक्वल है, राइट? दूसरी चीज, मेन पार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बार बार नहीं डिस्कस करूँगा, उसका सिंपल पार्ट हो गया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में जिसको सेकंड नंबर देकर हेडिंग देकर डिस्कस किया था, वो क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था क्या हमने? तो मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सिनेरियो की, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे जाएगा, उसका डिस्कशन चल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, उसको किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे, हम ये प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। क्या आपको ये भी समझा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने और ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आखिर कोई भी पार्टनर अपने फर्म में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कंडीशन क्यों लाएगा? ऑब्वियसली वो पार्टनर जिसका कैपिटल कम है उसको उसमें नुकसान होगा, जिसका पार्टनर कैपिटल ज़्यादा है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर। बट फिर भी वो मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऑफिशियली वो पैसा ज़्यादा लेकर आ रहा है तो उसको ज़्यादा पैसा लाने का फायदा और बेनिफिट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है, अगर आप जब तक डीड में मेंशन नहीं करोगे तब तक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ये समझ में आया था सबको? अब उसी से मिलता जुलता मैं अगला कंसेप्ट शुरू करूंगा, नेक्स्ट कंसेप्ट में आपके स्टार्ट करूंगा, उसी से मिलता जुलता वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। अगला हेडिंग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है सैलरी या कमीशन टू अ पार्टनर। अब वापस बैकग्राउंड समझते, इसका मुद्दा वही है। स्टोरी क्या थी भाई, हमारे अनमोल और आदित्य ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म शुरू की। दोनों ने बोला चलो अपन बिजनेस करेंगे, भाई केला ले लो, अरे फ्रूट्स का बिजनेस, राइट? और हम लोगों ने बिजनेस जो लेने का डिसीजन, स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, बिजनेस स्टार्ट करने के डिसीजन में वो लोग क्या कर रहे थे, कैपिटल लेकर आए थे। अभी मैंने आपको दो तीन चीज़ें समझा बताई हुई है प्रीवियस एग्जांपल में, कि दोनों का कैपिटल, से फॉर एग्जांपल अनमोल ने 2 लाख लाया तो आदित्य ने 3 लाख रुपीज लाया, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी इक्वल था जो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था, नहीं भी किया रहता तो भी रूल के हिसाब से यही रहता। अब हुआ क्या, दो मिनट समझें। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं तो वो लोगों में, पार्टनर्स में आपस में काम बांट दिए जाते हैं। यूजुअली पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स में डिविजन ऑफ वर्क होता है, काम बांटे रहते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि भाई ये पार्टनर, एक्स पार्टनर एक है जो शायद परचेजेस का ध्यान रखेगा, रॉ मटेरियल खरीद के लाने का, या अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, अगर आप ट्रेडर हो तो गुड्स खरीद कर लाओगे, तो खरीदने का परचेज का डिपार्टमेंट एक पार्टनर को दे दिया, भाई तू ध्यान देगा पूरा, तो मैं भी सेल्स किसी को दे दिया, शायद एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को दे दिया, तो नॉर्मली डिविजन ऑफ वर्क होता है। काफी बार ऐसा भी होता है, ऐसे केस में सारे पार्टनर काम कर रहे हैं बट अपना बांटा हुआ काम है, राइट? काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर में, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर ही काम करता है और दूसरा पार्टनर काम ही नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे पार्टनर्स में, पार्टनर्स को जो कहा जाता है, इनके टाइप्स होते हैं। अब आपको ये थ्योरी OC में डिटेल में है, टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर में अलग अलग तरीके के पार्टनर होते हैं, तो उसमें जो काम करने वाला पार्टनर होता है उसको कहा जाता है वर्किंग पार्टनर, उसको हम क्या नाम देते हैं, वर्किंग पार्टनर, उसका और एक नाम है एक्टिव पार्टनर। वर्किंग या एक्टिव पार्टनर कौन है, जो डे टू डे फर्म के काम में हेल्प कर रहा है। एक ऐसा पार्टनर हो सकता है जो बिल्कुल काम ना करे, बैठा हुआ है, सिर्फ साल जब खत्म होगा तब वो प्रॉफिट लेने के लिए आए,
बाकी साल भर कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं पे ध्यान नहीं दे रहा बिजनेस के अंदर, ऐसे पार्टनर को कहा जाता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग यस, हमारे जैसा यस। उसको और एक नाम दिया जाता है डॉर्मेंट पार्टनर। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर, DORMANT, डॉर्मेंट। स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर वो रहता है जो डे टू डे फर्म के काम में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसका फर्म की डे टू डे एक्टिविटीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाता है? स्लीपिंग पार्टनर। समझ में आ रहा है? दूसरा पार्टनर कौन सा होता है? वो पार्टनर जो काम कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। अब मैं क्या समझा रहा हूँ देख, थोड़ा आराम से समझ। पार्टनरशिप में सबसे अच्छी बात पता है क्या है? देयर इज नो रूल, देयर इज नो स्पेसिफिक कंडीशन कि ऐसे ही हो सकता है। मतलब क्या? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म में 10 पार्टनर हो और 10 के 10 वर्किंग, सारे पार्टनर काम कर रहे हो सकता है। ऐसा हो कि भाई एक पार्टनरशिप फर्म में जिसमें 10 पार्टनर है पर 9 के 9 स्लीपिंग है, सोए हुए और एक ही पार्टनर काम कर रहा है, ये भी चलेगा। क्योंकि अगर आपको पार्टनरशिप का डेफिनेशन याद होगा तो डेफिनेशन के आखिरी पार्ट में कहा था बिजनेस विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा वर्ड क्लियर कट डेफिनेशन में लिखा था। पार्टनरशिप में बिजनेस कौन चलाएगा, मतलब काम कौन करेगा? सारे पार्टनर्स काम करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कोई एक बंदा भी काम करे सबके बिहाफ पे, या कुछ समझो 10 पार्टनर है, 2-3 पार्टनर वर्किंग है बाकी के स्लीपिंग है, वाइस वर्सा अलाउड है। जो भी करना है आप म्यूचुअली डिसाइड करें और करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर वो पार्टनर जो स्लीपिंग पार्टनर है जो डे टू डे एक्टिविटीज में कहीं पर भी काम नहीं कर रहा, ऐसे पार्टनर को पार्टनर क्यों बनाएंगे, उसको प्रॉफिट्स क्यों देंगे हम लोग? हो सकता है बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसका टैलेंट है, जिसका सोच आइडिया है, जैसे आजकल आपको सुना रहेगा स्टार्टअप्स आते हैं बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स हैं, तो एक पर्सन है जिसका कुछ बहुत अच्छा सोच है, थॉट है, आइडिया है, जो बिजनेस करने के बारे में उसको एक समझ है, और एक दूसरा पर्सन है वो बहुत रिच है, उसका मनी है, पैसा है, पर शायद वो दूसरों को ही काम कर रहा रहेगा या उसका वो लाइफ में आराम करना चाहता है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, तो ये दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है। तो जो अमीर बंदा है वो क्या बोलेगा? भाई तेरे में टैलेंट है, मेरे पास पैसा है, चलो अपन दोनों पार्टनरशिप करते हैं, मैं कैपिटल लगाता हूँ, तू थोड़ा ही कैपिटल लगा, मे भी वो 10 लाख कैपिटल लगाएगा, मे भी 1 ही लाख कैपिटल लगाएगा, पर जो अमीर पर्सन है बोलेगा मैं कैपिटल डालूंगा बिजनेस में, अपन दोनों पार्टनरशिप करेंगे, पर मैं काम नहीं करूंगा, काम पूरा तू करेगा, बिजनेस को पूरा ध्यान तू रखेगा। वो जो गरीब बट टैलेंटेड बंदा है वो बोलेगा हाँ मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाएगी, जिसमें वो जो अमीर पर्सन है सिर्फ एज अ फाइनेंसर, एज एन इन्वेस्टर वो सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाएगा, बट वो कुछ भी काम करने वाला नहीं। इट्स पॉसिबल। काफी बार ऐसा होगा, समझो 2 मिनट के लिए, एक पर्सन है जिसके पास बहुत बड़ा लैंड है, जगह है, एक दूसरा पर्सन है उसको वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी है, पर लैंड वाला बंदा बोलता है देख भाई मैं तेरे को मेरा लैंड बेचूंगा भी नहीं। देख प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, थोड़ा रिलेट कर बेटा, ऐसा होता है रियल लाइफ में कि भाई एक बंदा है जिसका लैंड है, बड़ा सा लैंड है, दूसरे को फैक्ट्री सेटअप करनी है, वो दूसरा बंदा पहले वाले के पास आता है बोलता है मेरे को तेरा लैंड बेच, वो बोलता है मैं बेचूंगा नहीं, पहला पर्सन लैंडलॉर्ड बोल रहा है मैं लैंड नहीं बेचूंगा, ये बोलता मुझे रेंट पे दे, बोलता मैं रेंट पे भी नहीं दूंगा तेरे को, एक काम कर तेरे को क्यों चाहिए लैंड, दूसरा पर्सन बोलता मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी है, मुझे बिजनेस करना है, तो पहला पर्सन बोलता है एक काम कर चल मैं तेरे को मेरा लैंड देता हूं पर अपन पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। मतलब अमीर आदमी अपना लैंड लेकर आ रहा है, ये फैक्ट्री सेटअप करेगा, दोनों पार्टनर रहेंगे, बट ये लैंड देने के सिवाय और कोई काम नहीं करेगा। बहुत बार होता है भाई शॉप ओनर रहता है, भाई एक पर्सन ने शॉप खरीद के रख ली, किसी और को वहाँ पे ऑफिस डालने लगा या जॉब करने के लिए, हेयर सलून हो गया, छोटे मोटे केक शॉप्स हो गए, उसको बोला भाई तू यहाँ पर दुकान डाल, जमीन मेरी, शॉप मेरा, तू काम कर, बिजनेस चलाएंगे, प्रॉफिट से ही बांट लेंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग कुछ भी हो सकता है, इक्वल हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, जो भी वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करें, बार्गेन करके जो उनको पटता है, बट देखें डिसाइड इन सच अ वे। तो ऐसे केसेस में बहुत बार होता है कि कोई पर्सन या तो कैश देता है या तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ें देता है, अपना एसेट देता है कोई, तो जैसे मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे दूँ तो भाई रॉयल्टी वाला, रॉयल्टी मतलब इनटेंजिबल एसेट वाला एग्जाम्पल, भाई एक पर्सन उसका पेटेंट है, उसका कुछ बहुत अच्छे मशीनरी का पेटेंट है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हो गया भाई किसी ने कोरोना वायरस की मेडिसिन बनानी, अब मेडिसिन बना के उन्होंने उसको अपने मेडिसिन को क्या करा लिया, पेटेंट करा लिया, अब उसने कोरोना की मेडिसिन का पेटेंट बना लिया, उसने एक बार इन्वेंट कर लिया, अब वो मैन्युफैक्चर नहीं करते बैठेगा, वो क्या करेगा पेटेंट किसी को देगा, वो बंदा मैन्युफैक्चर करेगा, पर ये बोलेगा मैं तेरे साथ क्या बनूंगा, पार्टनर बनूंगा, मैं तेरे को मेरे पेटेंट राइट्स दूंगा, तू मैन्युफैक्चर कर, जो भी प्रॉफिट होगा अपन मिलकर बांटेंगे।
तो मैंने ऐसे केस में अमीर आदमी या एक आदमी क्या कर रहा है, अपना कोई एसेट दे रहा है या पैसे दे रहा है या कोई इंटेंजिबल एसेट दे रहा है, इसीलिए हम उसको पार्टनर बनाते हैं। वो डे टू डे एक्टिविटी में काम नहीं करता, बट उसका दिया हुआ एसेट हमारे लिए काम आता है। शॉर्ट एंड स्वीट, देयर इज प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कि एक पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर हो जो डे टू डे एक्टिविटी में बिल्कुल पार्टिसिपेट ना करे, घर पे बैठा हो। हाँ, बट साल खत्म होने के बाद जब प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट कमाया जाएगा, तो प्रॉफिट मांगने के लिए वो बेशरम जरूर आएगा, पर काम करने के लिए कभी नहीं आएगा। ऐसे पार्टनर्स को क्या कहा जाता है? स्लीपिंग पार्टनर्स। और एक्टिव पार्टनर जो काम करता है। बात समझ में आ रही? अब मुद्दा समझ, अब अपन ने एग्जाम्पल दिया, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आते, इधर तक समझा। अब हुआ क्या, अपना पार्टनरशिप फॉर्म था अनमोल और आदित्य का। आदित्य जो था वो स्लीपिंग पार्टनर था, वो बोलता भाई मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं, मेरा बिजनेस में काम नहीं करूँगा मैं, भाई मैंने कैपिटल दे दिया है, बस मैं आराम करूँगा। अनमोल बोलता ठीक है मैं पूरा काम करूँगा। उन्होंने म्यूचुअली अग्री कर लिया कि काम करने की जिम्मेदारी अनमोल की। अब हो क्या रहा है, अब वापस यहाँ पे भेदभाव, आपको समझ रहा है अपनी थीम जो भेदभाव पे चल रही है। हम यहाँ पर ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे पार्टनर्स में कुछ डिफरेंसिएशन है, कुछ फर्क है। जैसे हमने कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कब आता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जरूरत ही कब पड़ती थी, जब एक ने कैपिटल अलग लाया और दूसरे ने कैपिटल अलग लाया हुआ है। वैसे ही अब मैं और एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जहाँ पर वापस भेदभाव है, वापस फर्क है पार्टनर्स के बीच में। कैसे फर्क है पार्टनर्स के बीच में? एक पार्टनर वर्किंग है, एक पार्टनर स्लीपिंग है। अगर बेटा सारे पार्टनर वर्किंग होते हैं, दोनों तीनों चारों दस चालीस पचास जितने पार्टनर हैं, अगर वो सारे वर्किंग होते तो भेदभाव नहीं होता बेटा। पर आज भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि एक वर्किंग है एक स्लीपिंग है, एक काम कर रहा है एक काम नहीं कर रहा है। तो जब एक काम कर रहा है और दूसरा काम नहीं कर रहा है, एक वर्किंग है और दूसरा स्लीपिंग है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, डेफिनेटली भेदभाव अराइज होगा। और वो भेदभाव के पीछे वजह क्या है? क्योंकि एक वर्किंग और एक स्लीपिंग है। तो हमारे फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल अनमोल हमारा बेचारा बहुत वर्किंग है, एग्जाम्पल मेरे, अब मैं बोलते रियल लाइफ में कुछ नहीं करता, एग्जाम्पल में अनमोल हमारा बहुत मेहनती, अरे ओके हंसो मत यार, एग्जाम्पल बहुत मेहनती, हाँ अनमोल हमारा बहुत ही मेहनती है और बहुत ही मेहनत कर रहा है और वो फॉर्म का पूरा ध्यान रखता है। सुबह बेचारा खुद ही आके ताला खोल के शटर अगरबत्ती लगा कर दुकान चालू करना, फड़का वड़का मारना, अरे झाड़ू मार सुबह, और वही शाम को दुकान बंद करता है। आदित्य अपना घर पे आराम से मस्त सोया हुआ है, वो डे टू डे काम में कहीं पर पार्टिसिपेट नहीं करता, उसे कैपिटल दे दिया बस आराम कर रहा है। अब अनमोल बेचारा जो डे टू डे काम करता है और आदित्य कोई काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक दिन अनमोल का दिमाग खराब हो गया है, उसका दिमाग है यार डोंट वरी, अरे अनमोल का दिमाग खराब होगा, अनमोल बहुत गुस्सा होगा और अनमोल ने गुस्से में जाके आदित्य को कहा, आदित्य आपसे मैं काम नहीं करूँगा। क्यों? बोलते क्यों क्या हुआ? बोले मैं काम करता हूँ तू तो काम नहीं कर रहा, तू तो बैठा हुआ है, तू तो आराम कर रहा है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो आदित्य बोलते हैं बोले तेरे को काम करने के लिए प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो फर्म का एंड में प्रॉफिट कमाएगी वो तेरे को मिलेगा। तो अनमोल और चिंता, अनमोल बोलता भाई आदित्य तेरे को भी तो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट तो मुझे भी मिल रहा है, प्रॉफिट तुझे भी मिल रहा है, इवन तो मैं काम कर रहा हूँ तू काम नहीं कर रहा, तो जो मैं काम कर रहा हूँ ना मैं अलग हूँ ना, मैं ज़्यादा मेहनत दे रहा हूँ ना तेरे कंपेरिजन में, तो मुझे वो एक्स्ट्रा मेहनत के लिए कुछ कंपेंसेशन अलग से चाहिए अदर देन प्रॉफिट्स। अब बैकग्राउंड समझ, अब हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक वर्किंग पार्टनर है और जो वर्किंग पार्टनर है उसका कहना ऐसा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और दूसरा पार्टनर कौन है? स्लीपिंग है। मैं वापस कह रहा हूं भेदभाव कब अराइज होगा? जब कोई वर्किंग और कोई स्लीपिंग है। सारे वर्किंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे स्लीपिंग नहीं हो सकते बेटा, भगवान भरोसे थोड़ी बिजनेस चलेगा, कोई तो काम करने को लगेगा ना, हाँ नहीं तो लगे सारे स्लीपिंग, अरे लॉस में जाएगा, बंद करना पड़ेगा दुकान, ताला लगा के बैठना, सारे स्लीपिंग रहेंगे तो। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो सारे वर्किंग रहेंगे या तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग एंड स्लीपिंग रहेगा। तो जब कुछ वर्किंग है कोई स्लीपिंग है तो वर्किंग पार्टनर को अधिकार है, वर्किंग पार्टनर या पार्टनर्स को अधिकार है, वो बोलेंगे कि हमें एक अलग से कंपेंसेशन चाहिए, हमें अलग पैसा चाहिए मेहनत करने का, क्योंकि प्रॉफिट्स तो हर पार्टनर को मिल रहा है, हम हर पार्टनर जैसे नहीं, हम खास हैं, हम मेहनत कर रहे हैं अलग से एज कंपेयर्ड टू अदर पार्टनर्स, तो हमको क्या मांगता? एक्स्ट्रा पैसा मांगता, एक्स्ट्रा रेमुनरेशन चाहिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए। बैकग्राउंड क्लियर है? Hence, here comes the concept salary to partner. यहाँ पर मैं दो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, सैलरी और कमीशन दो अलग चीजें, मैं पहले पहले पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ सैलरी टू पार्टनर। हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सैलरी टू पार्टनर। प्लीज भगवान के लिए गड़बड़ ना करें, सैलरी टू एम्प्लॉय अलग होता है,
जो एम्प्लॉय हमारे पास काम करता है उसको जो हम सैलरी देते वो अलग चीज़ है। इस बार सैलरी हम एम्प्लॉय को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। अब समझ पा रहे हो, कल के कॉन्सेप्ट में भी हमने इंटरेस्ट देखा था बेटा, इंटरेस्ट हम बाहर वालों को भी देते हैं। बाहर वालों को मतलब क्या, जब हमने बैंक से लोन लिया, जब हमने किसी थर्ड पार्टी से किसी और इंसान से उधार पे पैसे लिए, हमें पैसों की जरूरत थी, उस पैसों पे क्या हम इंटरेस्ट पे करते हैं क्या, यस, पर हमें इंटरेस्ट कैपिटल को भी देना पड़ रहा था उस कल के केस में। तो हम इंटरेस्ट नॉर्मली बाहर वालों को दे रहे थे, बट कल वाले केस में हम इंटरेस्ट हमारे ओनर को दे रहे थे, मालिक को दे रहे थे। तो फर्क होता है बाहर वालों को इंटरेस्ट देना और अपने को इंटरेस्ट देना। वैसे ही बाहर वालों को सैलरी देना और अपनों को सैलरी देने में फर्क होता है। बाहर वालों को जब आप सैलरी देते हो तो वो भी खर्चा है, अपनों को सैलरी देते हो तो भी खर्चा है। जैसे कल इंटरेस्ट और कैपिटल भी खर्चा था और रेगुलर लोन में भी जो आप इंटरेस्ट देते हो वो भी खर्चा है। बट मेरा क्या पॉइंट है, अगर तू बाहर वालों को इंटरेस्ट दे रहा है या बाहर वालों को सैलरी दे रहा है, इन सिचुएशंस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कोई रोल नहीं होता। बट जब तू अपनों को इंटरेस्ट दे रहा है, जब तू अपनों को, अपने माई बाप, अपने मालिक, फर्म के बिजनेस के ओनर को अगर इंटरेस्ट और सैलरी दे रहा है, तो इन केसेस में किसका रोल आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रोल आता है। तो कल भी जो रूल था यहाँ पर भी एक रूल आएगा। तो अब हम पहले तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ रहा है, हम सैलरी कौन मांग रहा है, वर्किंग पार्टनर। क्या वर्किंग पार्टनर जस्टिफाइड है सैलरी मांगने के लिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यस, अधिकार है वर्किंग पार्टनर को ये कहने का कि मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, राइट। पर अब हम सुनना चाहेंगे कि हम पूछेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, ए IPA बता इस पे आपके क्या उच्च विचार है। तो जब आप IPA के पास जाके पूछोगे, ए IPA क्या पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए, क्या फर्म में से पार्टनर को अलग से सैलरी मिलेगा, क्योंकि पार्टनर को तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, उसके सिवा उसके बावजूद अलग से क्या हमें उसको सैलरी देनी की, तो IPA चिढ़ कर बोलता है, नो नो नो, ना ना ना। हमने उसको कल भी पूछा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, वो बोलता है ना ना ना। फ्रेंकली स्पीकिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रूल था वही सैलरी को रूल है, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जनरल रूल कहता है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए पार्टनर को, ना ही पार्टनर को सैलरी मिलना चाहिए, पार्टनर को सैलरी नहीं देने की। बट किंतु क्या, बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, मेरे से सुपीरियर कौन है, तुम्हारा डीड गदो, अगर तुम तुम्हारे डीड में लिख देते हो कि हम पार्टनर को सैलरी देंगे, कि हमारे समझो 4, 5, 10, 15 जो भी पार्टनर है उनमें से इन इन पार्टनर को सैलरी मिलेगी। जैसे अगर हम अभी डीड बनाते हैं तो लिख देते हैं कि अनमोल को सैलरी मिलेगी, अगर आप डीड में लिख दोगे तो फिर पार्टनर को सैलरी मिलेगी। तो सेम रूल जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखा था, सेम सैलरी को है, दोनों का रूल सेम है। You can pay interest, you मतलब कौन, partnership firm can pay interest किसको interest pay कर सकती है on capital to partner, या for partnership firm can pay salary to the partner only and only if it is mentioned in the partnership deed। अगर आपने partnership deed में लिखित form में, writing form में लिख के रखा होगा कि हम पार्टनर को इतना सैलरी और इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, मैं दोनों साथ में आप डिस्कस कर रहा हूं, तो ही उन्हें इंटरेस्ट ऑन सैलरी मिलेगा, अदरवाइज पार्टनर्स आर नॉट एट ऑल एलिजिबल टू गेट व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज सैलरी। तो जो अपने कल रूल पढ़ा था डिटो सेम है, कुछ अलग नहीं, कुछ खास नहीं, सिर्फ उसका पीछे का नेचर अलग है। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर होता था, जो जितना कैपिटल लाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सैलरी वर्किंग नेचर के ऊपर है, जो काम करेगा उसको सैलरी मिलेगा। आ रहा है समझ में, सैलरी से ही मिलता है जो उसका छोटा भाई है, जानबूझ के मैंने उसको अलग से लिखा ताकि आप समझे सैलरी अलग है और ये कमीशन अलग है। बेटा सैलरी से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, क्या, कमीशन। क्या बेटा वो, कमीशन। अब इसमें और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई पार्टनर है वो बस वही वर्किंग कर रहा है, वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो कुछ देख फर्क कुछ नहीं, बेसिक वही चीज है कि एक पार्टनर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो क्या बोलता है, भाई मेरे को सैलरी दो, या फिर अनमोल, जैसे अनमोल हमारा वर्किंग पार्टनर था तो अनमोल आदित्य को बोल सकता है कि मेरे को सैलरी चाहिए, या फिर मेरे को क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। काफी बार सैलरी की बजाय कमीशन मांग सकता है। आई होप आपको समझता है कमीशन नॉर्मली किस टर्म में रहता है, मैं ध्यान दे रहा हूँ, कमीशन नॉर्मली कैसा रहता है, परसेंटेज, सुना है, यूजुअली कमीशन परसेंटेज रहता है, परसेंटेज किसका रहता है, राइट, कमीशन जो रहता है वो परसेंटेज में रहता है, किसका परसेंटेज,
या तो नॉर्मली सेल्स का परसेंटेज रहता है या तो नॉर्मली प्रॉफिट का परसेंटेज रहता है, इजंट इट सो? कमीशन समझता है सबको? कमीशन इज परफॉर्मेंस बेस्ड, सैलरी इज फिक्स्ड इन नेचर, यही फर्क होता है। सैलरी एक फिक्स प्रमाण में रहता है कि भाई अगर तू एम्प्लॉई है तेरे को हर महीने 20,000 रुपए तो 20,000 ही मिलेंगे, वो सैलरी होती है। कमीशन नॉर्मली क्या रहता है? परफॉर्मेंस रहता है। परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस का जितना सेल रहेगा उसका से फॉर एग्जाम्पल हम देखो 2% कमीशन देंगे, तो बिजनेस का सेल बढ़ेगा तेरा कमीशन बढ़ेगा। तो बिजनेस का सेल कब बढ़ेगा? मे बी जब तेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। या तो हम देखो कुछ 10-15% किसका देंगे, प्रॉफिट्स का देंगे तो हम देखो कमीशन देंगे। तो पार्टनर अलग से मांग रहा है, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? जो ईयर एंड में प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो तो होगा ही, उसके अलग से वो क्या मांग रहा है? सैलरी या कमीशन मांग रहा है। पार्टनर किससे मांग रहा है? बाकी के पार्टनर से। सैलरी और कमीशन में कोई फर्क नहीं है, वही पार्टनर या तो सैलरी फिक्स्ड फॉर्म में मांगेगा या तो परसेंटेज फॉर्म में क्या मांगेगा बेटा? कमीशन मांगेगा। बढ़ू मैं आगे? श्योर ये समझ में आ रहा है? कल जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था ये भी डिट्टो वैसा ही है। अगर मैं इसकी क्या बात करूं, यहां पर ध्यान दें, अगर मैं इसकी क्या लिखूं, अकाउंटिंग एंट्री, बराबर क्या पक्का? अगर लीगल रूल सेम एज बिफोर, सेम रूल जो पीछे वाला था किसका, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आपने लिखा रहेगा, क्या सेम रूल था? अगर अग्रीड रहेगा तो पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा, अगर अग्रीड नहीं रहेगा तो मतलब डील में मेंशन नहीं रहेगा तो पार्टनर को सैलरी कमीशन मिलने वाला नहीं है, इवन दो काम करने वाला पार्टनर। अपने एग्जांपल में अनमोल ने जब जाके आदित्य को कहा कि भाई मैं एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को हर महीने 20,000 रुपया मतलब साल का 240,000 रुपया अलग से चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं और तू मेहनत नहीं कर रहा। या फिर अनमोल कह सकता है कि भाई मेरे को 10% कमीशन चाहिए सेल्स का, साल भर में जितना भी सेल होगा उसका 10% मैं अलग से कमीशन लूंगा। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नॉर्मली नहीं, दोनों नहीं भाई, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी आएंगे, एक ही चीज मिलेगी, या तो क्या मिलेगा सैलरी या तो क्या मिलेगा नॉर्मली कमीशन। तो अनमोल ने जो भी उसका प्रपोजल रखा होगा अगर आदित्य मान लेता है और अगर वो डीड में मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं कि भाई सैलरी या कमीशन मिलेगा, तो फिर मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रूल जो हमने कल लिखा था वही है। अकाउंटिंग एंट्री भी सच कहूं तो कल वाली ही है, कोई खास फर्क नहीं अकाउंटिंग एंट्री में, सेम एंट्री है। आपको लगता है सैलरी या कमीशन अब हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां पे शॉर्टकट लिख रहा हूं, सैलरी या कमीशन टू, क्या लिखेंगे? सैलरी या कमीशन टू बराबर पार्टनर अकाउंट डेबिट। बेटा मेरी लाइफ में अच्छे से समझना, मैं यहां पर सिर्फ सैलरी अकाउंट नहीं लिख सकता, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली सैलरी अकाउंट यूज होता है, आपने पढ़ा होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश हम करते हैं, जब हम किसको सैलरी देते हैं? एम्प्लॉय को। कमीशन अकाउंट टू कैश बैंक भी आपका एंट्री होता था अगर आप कमीशन किसी थर्ड पार्टी को देते हो, इस बार आप सैलरी या कमीशन किसी बाहर वालों को नहीं दे रहे, भाई अपना घर का भेदी ही ऐसा है, घर का आदमी ऐसा है जो एक बेशर्म मौके से वैसे वैसे मांग रहा है। तो हम लोग क्लियर कट अकाउंट का नाम क्या आएगा, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट, ये बड़ा बहुत जरूरी है। टू, अब हम ये पैसा, ये जो सैलरी हमारा खर्चा है, हमारा मतलब किसका? फर्म का, बिजनेस का, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। फर्म का जो खर्चा है सैलरी नाम का, ये खर्चा फर्म जो पे करेगा, आई रिपीट, सैलरी नाम का खर्चा जो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगा। फिर साथ दे दो, फर्म उसको आज पैसा नहीं दे रहा, कल वाला डिस्कशन, पैसा नहीं दे रहा, उसके नाम पे क्या कर रहा है? जमा करके रख दे रहा है, उसके नाम पे जमा करके रख दे रहा है, मतलब क्या? उसके नाम पे लिख दे रहा है। तो एंट्री क्या आती है? सैलरी या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू उसके नाम पे, उसका नाम मतलब उसका अकाउंट क्या है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको क्रेडिट करेंगे। और दूसरी एंट्री आपको भी पता है हमारा खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू सैलरी या कमीशन टू पार्टनर अकाउंट। क्रेडिट किसको करेंगे? सैलरी या कमीशन टू पार्टनर। अब देखो सैलरी या कमीशन अकाउंट क्या हो गया, कैंसिल, अल्टीमेटली डेबिट कौन हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि खर्चा और क्रेडिट किसको किया? पार्टनर्स कैपिटल। एम आई वेरी क्लियर? पक्का? यहां पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बेटा, कल और आज के पॉइंट को वापस एक बार सम अप करते हैं। इंटरेस्ट, हमें तीनों का नाम साथ में लूंगा, एक्चुअली तीन चीजें, कौन सी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर। अब ये तीन चीजों की मैं बात करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी
पार्ट टू पार्टनर, कमीशन टू अ पार्टनर, इन तीनों चीज़ों में क्या सिमिलैरिटी है? ये तीनों हमारा खर्चा है, पहला सिमिलैरिटी। दूसरा सिमिलैरिटी, तीनों खर्चा इसलिए पी एंड एल को डेबिट होगा, राइट, और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट होगा, क्योंकि तीनों अमाउंट जो है ये पार्टनर को मिलने वाली है, तो हम उसके नाम पे जाकर लिख देते हैं, उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं, उसके नाम पे जमा कर देते हैं। लैंग्वेज समझ में आ रही? अगली सिमिलैरिटी, तीनों का लीगल रूल सेम है। क्या लीगल रूल सेम है? अगर पार्टनरशिप डील में मेंशनड है तो मिलेगा, अदरवाइज एक्ट बोलता है आपने पार्टनरशिप डील में नहीं लिखा तो आपने किसी भी पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन मिलने का अधिकार नहीं है। फर्म विल नेवर पे इट, डन। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जनरल नॉलेज के लिए, मसाला पूरी समझे। अगर अनमोल और आदित्य की पार्टनरशिप फर्म बनी, समझो 1 अप्रैल 2016 में उन्होंने पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दिया था 16 में, तब उन्होंने डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई होप आपको डीड समझ सकते हैं, पार्टनरशिप डीड, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन ऐसी कोई बातें लिखी नहीं थी। अब उन्होंने डीड जब बनाई थी 1 अप्रैल 16 को, तब उन्होंने ये सब कोई पॉइंट लिखा नहीं था, शायद किसी के मन में ये चीजें आई नहीं वो टाइम पे, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन मिलेगा नहीं पार्टनर को। अब आया 1 अप्रैल 2020, फर्म को चालू हो गए, शुरू हो गए, 4 साल हो चुके थे। नाउ वी आर ऑन 1 अप्रैल 2020। अब जब मैं बेटा 1 अप्रैल 2020 को आके स्टैंड कर रहा हूं, अब सवाल आके खड़ा है, अब अनमोल के मन में आया मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। आदित्य के मन में आया लालच है, बोले मेरे को तो कमीशन चाहिए। अब देख रहे हो आदित्य कमीशन के फेवर में क्यों रहेगा, क्योंकि उसका कैपिटल ज्यादा है, उसको कमीशन मिलेगा। आदित्य इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फेवर में क्यों रहेगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा मिलेगा, उसका कैपिटल ज्यादा है। अनमोल सैलरी के फेवर में क्यों रहेगा, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है, उसको अधिकार है एक्स्ट्रा पैसा मांगने की, या वो सैलरी मांगेगा या तो कमीशन मांगेगा, मानते हैं। पर ये चीजें उन्होंने डीड में पहले नहीं लिखी थी बेटा, पहले 1 अप्रैल को जब फर्म शुरू किया था ना, तब उन्होंने ये चीजें नहीं मेंशन की थी डीड में। आज वो लोग डीड में ये चीजें मेंशन कर रहे हैं, आज उनके मन में आया ये करें, तो क्या वो आज 1 अप्रैल 2020 जो दिन पे ऑलरेडी 4 साल गुजर चुके फर्म शुरू के, 4 साल पहले पार्टनरशिप डीड बना चुके फॉर एग्जाम्पल में, तो क्या आज वो लोग को अगर मन में आया कि अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वाले प्रोविजन ऐड करें तो कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, दे कैन वेरी वेल डू दैट। कॉन्सेप्ट क्या है? आज के दिन वो चाहे तो पार्टनरशिप डील को अमेंड कर सकते हैं, इसको कहा जाता है अमेंडेड पार्टनरशिप डील। मतलब क्या? पार्टनरशिप डील एक बार बनने के बाद में चाहो तो आप उसमें अल्टरेशंस कर सकते हो, आप उसमें कोई टर्म ऐड, कोई एक सेंटेंस ऐड, कोई एक सेंटेंस डिलीट, कोई एक सेंटेंस को मॉडिफाई, अंदर के शब्दों को चेंज कर सकते हो। पर रूल वही है, पहली बार डीड बनाते वक्त भी परमिशन किसकी लगी थी? सारे पार्टनर्स की, क्योंकि साइन सारे पार्टनर करते हैं डीड पे, तो अंदर लिखे गए हर एक शब्द और शब्द, हर एक वाक्यों को कौन मानने की जिम्मेदारी लेता है? पार्टनर, जब वो साइन करता है उसके ऊपर, मतलब वो बोलते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो भी डीड में लिखा है। तो अगर कल जाके आप 2-3 साल या जब भी आप चाहो आप आपके डीड को अमेंड मतलब चेंज कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हो, बट क्या कंडीशन रहेगी? वापस सारे पार्टनर्स ने जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तब तक डीड अमेंड नहीं। तो शायद आगे के 2020 को आदित्य और अनमोल चाहे तो अपने पार्टनरशिप डील को अमेंड करेंगे, अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन की प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग रूल्स उस डील में ऐड करके नई अमेंडेड डील बना सकते हैं। तो आज 1 अप्रैल 2020 को डीड अमेंड करके इसका मतलब आज पार्टनरशिप बनी ऐसे नहीं, पार्टनरशिप बनी 1 अप्रैल 16 को ही है, आज सिर्फ आपने उस पार्टनरशिप के अंदर के कुछ टर्म्स और कंडीशंस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। क्या तो मेरे साथ यहाँ बैकग्राउंड समझ में आ रहा है सबको? पक्का वाला शॉप बढ़ू आगे? सो दिस वाज योर एंटायर बैकग्राउंड अबाउट सैलरी एंड कमीशन। मैं अभी एक एग्जाम्पल लूंगा और एक एग्जाम्पल लेके आपके सामने कैपिटल अकाउंट प्रस्तुत करूंगा। आपको समझना जरूरी है कि कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? फाइन। अब अगर मैं यहां पर आऊँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल, अब धीरे धीरे ना मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बड़ा होता जा रहा है। आप समझ रहे हो, हम जो नए नए ट्रांजेक्शन देखते जा रहे हो पार्टनर्स कैपिटल में आ रहे हैं। अब आप देखोगे अगर मैं यहाँ पर एक अकाउंट बनाऊँ जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बता दिया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहला कॉलम आपका ऑब्वियसली क्या आता है? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद आप क्या बनाओगे? दोनों पार्टनर्स के नाम के कॉलम बनाओगे। सिर्फ फॉर एग्जांपल, हमारे एग्जांपल में कौन कौन था?
पहला पार्टनर था अनमोल राय और दूसरा पार्टनर था हमारा आदित्य। तो आप अनमोल लिखोगे, आदित्य लिखोगे राइट क्या, और फिर उसके बाद वहां पे रुपीज का ऐसा सिंबल दोगे क्योंकि आप बता रहे अमाउंट कॉलम में, कुछ समझ में आ रहा है? इस तरीके से एक साफ सुथरा आपको बाद में ड्रॉ करना पड़ेगा। जब आप समझ पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आई विल एक्सपेक्ट यू टू ड्रॉइंग प्रॉपर एकदम अच्छे से साफ सुथरा आपको अकाउंट बनाना पड़ सकता है। डन। फिर वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में वापस क्या नाम आएगा, अनमोल आ जाएगा रुपीज और आदित्य और रुपीज। दिस शोज आपका अमाउंट कॉलम है। यहाँ पर ऊपर एज यूजुअल आप डेबिट क्रेडिट लिखते हो। यू नीड नॉट टू प्रिपेयर फिलहाल आपका जेएफ कॉलम की यहाँ पर जरूरत नहीं होती, आपको उतना एग्जम्पशन छूट दी गई है। तो ये आपका आ गया कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपके सामने पूरा अभी तक का हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से कैपिटल अकाउंट बना था। कैपिटल अकाउंट अब कैसा बनेगा, 11th स्टैंडर्ड में उतना बड़ा कैपिटल अकाउंट नहीं बनता था क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम थे। अब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ चुके हैं, अब आप देखिए कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपका पहला साल ऑफ बिजनेस रहेगा तो यहाँ पर कैश बैंक असेट या गुड्स याद आ रहे, या अगर आपका पहले से बिजनेस शुरू हो चुका रहेगा तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिस शोज योर ओपनिंग बैलेंस, साल की शुरुआत का बैलेंस। अगर मैं आपके सामने बता रहा हूँ एक कैपिटल अकाउंट पूरे साल भर में कैसे दिखेगा, ये साल के शुरुआत में होने वाली एंट्री है। फिर साल के बीच में देखो, मैं आपको एंट्रीज को तीन कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक साल की शुरुआत की एंट्री, एक ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री और एक साल के लास्ट डे की एंट्रीज। तो ये जो पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन है, या अगर पहला साल बिजनेस रहेगा तो कैश बैंक, ये साल के फर्स्ट डे पे पास की जाने वाली एंट्री है कैपिटल अकाउंट के अंदर। आपको समझ, मैं पूरा अकाउंटिंग नहीं सीख रहा, फिलहाल मेरा फोकस फक्त और फक्त कैपिटल अकाउंट है। अब समझ लो ड्यू रिस्पेक्ट फॉलो होता है, सेकंड इफेक्ट इनके दूसरे अकाउंट्स को जा रहा होगा वो फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपका बाय कैश बैंक बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। फिर आपका अगला क्या आ जाता है क्रेडिट में, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ एडिशनल कैपिटल लाया है तो बाय कैश बैंक कैसे जो भी है वो आपका एडिशनल कैपिटल है। तो ये पहली चीज कब आ गई, साल के फर्स्ट डे पे। ये बाकी की चीजें कब आ गई, ड्यूरिंग द ईयर। बस इतना ही हो सकता है फर्स्ट डे और ड्यूरिंग द ईयर। अब जो मैं एंट्रीज डिस्कस कर रहा हूँ साल के अंत की एंट्रीज है, आई रिपीट, अब जो मैं एंट्रीज रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ साल के लास्ट डे की एंट्री और मेन ट्रांजैक्शन, मेन एंट्रीज जो होती हैं वो साल के लास्ट डे वाली ही एंट्रीज होती है। तो आपके लिए आपको समझना है सबसे ज्यादा आपका जो फोकस रहेगा वो साल के लास्ट डे वाली एंट्रीज पे ही रहेगा। बढ़ू मैम, अब साल के लास्ट डे पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तूने जो साल भर ड्रॉइंग्स किया होगा अब वो ड्रॉइंग्स तू किधर ट्रांसफर करेगा कैपिटल में। वापस बोलो, ड्रॉइंग कब होता है, पूरा ईयर ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग हो रहा है, बट वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कब होता है, साल के लास्ट डे। तो साल के लास्ट डे में जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ ये सारे साल के लास्ट डे की एंट्री है। तो साल के लास्ट डे में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ड्रॉइंग्स जिसका जिस कॉलम होगा, जितना ड्रॉइंग रहेगा आदित्य का जितना रहेगा उसके कॉलम में उसके अकाउंट। इधर फिर समझना है पक्का बात। अब उसके बाद और क्या आएगा, अभी तक अपन ने देखा होगा तो पार्टनर्स को क्या दे सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कल का डिस्कशन याद होगा तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट होगा। अभी अभी तुमने देखा और एक नया ट्रांजेक्शन देखा, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, ये भी तेरे पार्टनर कैपिटल को क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये दोनों के सेकेंड इफेक्ट, दोनों मतलब है ये तीन आइटम्स बट मैंने शॉर्ट में दो लिखे हुए, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। इन तीनों के सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि हमारे फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। इधर तक है क्या, यहाँ पर बाय सैलरी या कमीशन टू द पार्टनर आ गया तेरा पक्का। उसके बाद ड्रॉइंग जाए, अब ये सब काट छाट के फाइनली तेरे को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो वो नेट प्रॉफिट जो आएगा वो वापस पार्टनर्स कैपिटल लिए कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। बढ़ेगा, समझ में आ रहा पक्का। और फिर उसके बाद तो आखिर में जाके पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेगा, क्लोज करेगा। क्लोज और क्लोज करने के बाद नॉर्मली क्रेडिट साइड इंक्रीमेंट ज्यादा होती है, नॉर्मली तो क्रेडिट साइड इंक्रीमेंट ज्यादा रहेगी तो बैलेंस क्रेडिट डाउन लास्ट में कहाँ मिलेगा तुझे, डेबिट में। और ये बैलेंस क्रेडिट डाउन कहाँ ट्रांसफर होगा, ये बैलेंस क्रेडिट डाउन बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा, कौन से साइड पे, लायबिलिटी साइड। और मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, डोंट वरी अपन आएंगे उसके ऊपर पक्का वाला शॉप। इधर तक का स्ट्रक्चर सबको समझा, अब एग्जांपल समझाने के लिए दो मिनट यहाँ का बात ड्रॉप करता हूँ,
और मैं आपको समझाने के लिए इवन ये भी ले रहा हूँ, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेके एकदम डिटेल में समझाता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बाद हमारी पोजीशन क्लियर करेंगे। I'm trying to write as bigger as possible. थोड़ा आपको दिखे भी सही, आप जब वीडियोस देख रहे होंगे आप चाहे तो आप समझते हो, चाहे तो उसको जूम इन कर सकते हो वीडियो को थोड़ा बहुत समझने के लिए कि एग्जैक्टली कहाँ से क्या जा रहा हो, तो यू कैन टेक दैट बेनिफिट राइट। बट अच्छे से देखें, थोड़े हैंड राइटिंग आपको पता है मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू तब पता है मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो थोड़ा उसको भी मैं और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। मैं कल वाला डिस्कशन जो बेसिक डिस्कशन है वो सेम रख रहा हूँ, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। बट अगर साल भर का क्रेडिट, अब मैं अमाउंट्स लिख रहा हूँ, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए पहले स्ट्रक्चर बना लिया, मैं वापस सीक्वेंस शुरू चल रहा हूँ कि एक एक करके सीक्वेंस में क्या है राइट। जब मैं ट्रायल बैलेंस फाइनली पहुंचा था, ट्रायल बैलेंस से एक एक अमाउंट उठा के जब इफेक्ट लिया होगा तो मेरे पास कैपिटल अकाउंट दिख रहा रहेगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात किया इसका 2 लाख, इसका 3 लाख ऑलरेडी दिख रहा होगा ट्रायल बैलेंस उठा के लिए। ट्रायल बैलेंस में जो ड्राइंग्स भी दिख रहा होगा, मैं ड्राइंग्स ले रहा हूँ इस बार एग्जाम्पल में, ड्राइंग्स भी दिख रहा होगा मुझे, तो ड्राइंग्स उठा के जब मैं इधर लिख रहा हूँ वो ड्राइंग्स क्यों दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि साल भर में जितना भी ड्राइंग हुआ है वो हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करके रखा है। अब जब मैं ड्राइंग अकाउंट कहाँ लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट में, तो मैं जो आपको समझा रहा था मैं ड्राइंग्स को ट्रांसफर करूंगा, किधर ट्रांसफर करूंगा कैपिटल अकाउंट में। तो सिंपल एग्जांपल मेरा यहाँ पर इसका ड्राइंग्स था 10,000 रुपीज, इसका ड्राइंग था 15,000 रुपीज, वेरी क्लियर पक्का। ये मुझे कहाँ से मिला, ट्रायल बैलेंस से, बाकी कोई भी आइटम अभी मैं समझ रहा, फॉर एग्जाम्पल इस समय छोड़ दो एडिशनल कैपिटल कुछ नहीं, दो मिनट छोड़ दो, एडिशनल कैपिटल लाया नहीं था आपको, अगर मैंने कहा एडिशनल कैपिटल बार बार होने वाला फेनोमेन नहीं, कभी कभी छूटता है, तो इस साल में इस ईयर में मे बी एडिशनल कैपिटल नहीं रहा है, और ये 2 लाख और 3 लाख मेरा क्या है एक्चुअली बैलेंस ब्रॉकडाउन है, ईयर का फर्स्ट ईयर मतलब बिजनेस का फर्स्ट ईयर नहीं है, बराबर फाइनल अकाउंट्स के एक्सपेंसेस। ये आ गया कैपिटल, आ गया ड्रॉइंग्स, आ गया फिर सारे बाकी के असेट्स बैलेंस शीट में लिख दिए होंगे, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में लिख दी होगी, इनकम एक्सपेंस लिख दिए होंगे, सबका सिंगल इफेक्ट हो गया सब राइट। एडजस्टमेंट्स के भी डबल इफेक्ट होंगे। अब सब होने का अपने क्लोज किया, तो पहले किसको क्लोज किया, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने का अपने को क्या मिला, जीपी, जीपी कहाँ ट्रांसफर हुआ, पीएनएल के क्रेडिट, फिर अपने पीएनएल के क्रेडिट की टोटल लेकर आपको याद आ रहा होगा, तो कल का एग्जाम्पल मैंने टोटल पीएनएल के क्रेडिट की टोटल कितनी है 18 लाख, मैंने डेबिट की टोटल की, डेबिट की टोटल कितनी है 16 लाख। डेबिट में जो खर्चे दिख रहे हैं, अब अच्छे से समझ, डेबिट में जो खर्चे दिख रहे हैं उसमें बहुत सारे खर्च होंगे डेबिट में, जिसमें सैलरी भी रहेगा, बोलो किसका सैलरी रहेगा, स्टाफ एम्प्लॉइज का। डेबिट में जो खर्चे दिख रहे 16 लाख रुपए के, इसमें शायद इंटरेस्ट भी रहेगा, बोलो इंटरेस्ट ऑन क्या रहा होगा, लोन रहा होगा, जो बैंक से मैंने लोन लिया रहेगा उसके ऊपर का इंटरेस्ट रहा होगा, क्या आप समझ पाए। तो इधर सैलरी, इंटरेस्ट, ये सारे खर्चे मैंने डेबिट किए पीएनएल, क्या तो मेरे साथ सारे एक्सपेंसेस मैंने डेबिट कर दिए पीएनएल। अब बचा हुआ जो 2 लाख है ना वो जाएगा किसके पास, पार्टनर्स के पास, मैं डिस्कस कर चुका हूँ 2 लाख रुपए जो डिफरेंस है इसके ऊपर पूरा अधिकार किसका, पार्टनर्स का राइट पक्का। अब डील में लिखा था ऐसा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो हम पीएनएल के डेबिट में गए और डेबिट में जाके हमने यहाँ पर क्या लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने अंडरलाइन करके दोनों का नाम लिख दिया अनमोल आदित्य, क्या तुम मेरे साथ है। अपने बात की थी डीड में लिखा, डीड में सिर्फ ये मेंशन करके नहीं चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर को, ये भी मेंशन करना पड़ेगा क्या रेट से देंगे। तो समझा आपका रेट कितना था 10% था, तो आपको याद है उसका कैपिटल कितना था 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना आया 20 का 30, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कितना मिलेगा। इसका सेकंड इफेक्ट कहां गया, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाकर मैंने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 30,000, तो अनमोल खुश हो गया, अनमोल का बैलेंस कितना था साल की शुरुआत में 2 लाख रुपए, उसके बैलेंस में 20,000 रुपए क्या हो गए ऐड हो गए, क्योंकि उसको अब और 20,000 उसके नाम पे जमा हो गए, उसका बैलेंस बढ़ गया राइट। पार्टनर कैपिटल का बैलेंस बढ़ना पार्टनर के लिए खुशी की बात होती है, फर्म के लिए खुशी की बात नहीं होती, फर्म के लिए लाइबिलिटी बनती है,
तो फॉग की लाइबिलिटी बढ़ गई है। फॉग को अनमोल को कितना देना बाकी है, जो उसने कैपिटल के नाम से 2 लाख रुपया दिया था वो, और फर्म को अनमोल को कितना देना बाकी है उसके ऊपर का 20 लाख। आदित्य ज्यादा खुश था, उसको 3 लाख। अब हुआ ये था कि डीड में ये भी लिखा था कि अनमोल हमारा वर्किंग पार्टनर है तो उसको 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। डीड में ये भी लिखा था कि अनमोल हमारा वर्किंग पार्टनर है तो उसको 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से साल के उसकी सैलरी कितनी हो गई, बोलना जल्दी। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा टू सैलरी टू पार्टनर, यहाँ पर एक ही पार्टनर अनमोल, टोटल अमाउंट कितना हो गया उसका 12,000। अब सैलरी टू पार्टनर अनमोल को मिलेगा तो आप डेबिट करोगे क्योंकि आपका खर्चा सेकंड फिक्स सैलरी टू पार्टनर अनमोल के कैपिटल को क्रेडिट होगा, आदित्य का अमाउंट नहीं आएगी क्योंकि आदित्य को कोई सैलरी मिल नहीं। डन। अब हुआ क्या, अब ये होने के बाद अब आप फाइनली नेट प्रॉफिट निकालने बैठे और आपको पता है जो आपका नेट प्रॉफिट आया फाइनली वो कितना आया, आपको पता है अब टेक्निकली देखेंगे तो 18 लाख -16, -50, -12, पर मैं अदर वे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है टोटल कमाई गई इनकम जो थी वो 18 लाख थी, बाहर वालों को जो खर्चे दिए गए 16 लाख थे, 2 लाख रुपए हमारे ओनर के लिए बचे थे, हम लोग 2 लाख ओनर में ही बांटे, हम लोग 2 लाख रुपए ओनर को ही डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके ऊपर बाहर वालों की गंदी नजर नहीं पड़ सकती। पर ओनर में अंदर में जो बंटवारा होगा वो अलग हिसाब से होगा। 50,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के हिसाब से गया जो कल डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो डिस्कस किया सैलरी अनमोल को अलग से 12,000 रुपए की मिली, तो आपका कितना चला गया 62 चला गया, बचा कितना 1,38,000 मेरे हिसाब से बचता। पक्का पक्का सची 1,38,000 बचता है क्या, तो 1,38,000 रुपीज का प्रॉफिट बचता है। अब ये प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, अनमोल और आदित्य, और ये फाइनली कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डन क्या, तो 1,38,000 को अगर आप डिवाइड बाय हाफ करोगे आधा आधा करने के लिए तो आप इजीली कर सकते हो, बट वो कितने का 6,012 बचा और कितना बचा 9, तो 69,000 और 69,000, बट 89,000 आ गया पक्का। तो आप देख रहे हो कि आपका टोटल प्रॉफिट फिर 69,000 गया, तो यहाँ पर आके नेट प्रॉफिट दोनों में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों को कितना मिलेगा प्रॉफिट 69,000 और 69,000। तो एक देखो 2 लाख रुपए ही बटा हम लोगों को, अगर आप देखोगे तो 2 लाख के प्रॉफिट में से भले दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है पर इसको 69,12,20 मिला। अगर मैं 2 मिनट के लिए अनमोल का यहाँ पर रफ में लिख रहा हूँ, अनमोल को कितना मिला 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में से, तो नेट प्रॉफिट के नाम से मिला 2 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट, उसमें नेट प्रॉफिट के नाम से उसको 69 + 10 = 79 + 2 = 81 उसको 101,000 रुपए मिला। और इसको अगर आप देखोगे 30,069 दैट इज 99,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ आदित्य को। अनमोल को ज्यादा क्यों मिल गया, भले उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिला बट सामने वो वर्किंग पार्टनर की वजह से उसको सैलरी ज्यादा। तो आप देख रहे हो अगर 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को पार्टनर की कंडीशन ना होती तो सीधा आप क्या करते, 18 से 16 लाख माइनस करके 2 लाख प्रॉफिट आता, 2 लाख का आधा था 1 लाख 1 लाख दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। बट अब ऐसा नहीं, ज्यादा सही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो पर्सन ज्यादा कैपिटल लेकर आ रहा है उसको एक्स्ट्रा कैपिटल का भी बेनिफिट मिल रहा है, जो पार्टनर फर्म में वर्क कर रहा है मेहनत कर रहा है उसको उसको वर्किंग का भी बेनिफिट मिल रहा है। अरे नहीं, तो अब देखोगे इसका इसको 1,01,000 + 2 तो अब इसका टोटल कैपिटल का बैलेंस 3,01,000 है और इसका 3,01,099 तो इसका क्रेडिट पीरियड अगर आप निकालोगे तो 3,99,000। अभी 3,01,000 में से ऑलरेडी बैलेंस इतनी कर चुका है 10,000 रुपए की बरना, तो आपका यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना आएगा 2,91,000 अग्री क्या, और इसका 3,99,000 में से 15 गया तो 3,85,000 ये इसका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कितना वो ड्रॉइंग्स कर चुका है। एम आई वेरी क्लियर, ये अमाउंट जाएगी आपकी बैलेंस क्या। इधर तक आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी पार्टनर कमीशन टू पार्टनर ये पार्ट क्लियर पक्का। कल का लेक्चर और मजेदार होगा और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल के लेक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट है, टोटल 400 से 500 कॉन्सेप्ट है, तो 4-5 कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। एक बार सब हो गया आपने अच्छे से मेरे साथ डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लिया, टेंशन मत लेना आपकी गाड़ी एकदम भागेगी, हम इतना जबरदस्त स्पीड से भागेंगे कि आपको कहीं कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, बट स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स अच्छे से सुनने पड़ेंगे। राइट, बाय द मीन टाइम आप घर पे रहें,
ध्यान रखें, आप घर पे ये जो अभी अटक गए हैं लॉकडाउन की जो स्थिति आई हमारे सामने, इसका भरपूर फायदा उठाएं। बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी बुक पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, अपने से बड़े लोगों से बातें करें, उनसे डिस्कशंस करें, उनसे अच्छी कुछ चीज़ें अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। योर इंटेंशन शुड बी, योर टारगेट शुड बी ऑलवेज दैट यू शुड बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ। खुद को सुधारने के पीछे ज़्यादा एनर्जी लगाएं, मोटिवेटेड रहें, लोगों को मोटिवेट करें, बी गुड विद अदर्स, यू विल डेफिनेटली गेट गुड इन रिटर्न। हैव अ नाइस टाइम, गॉड इज ग्रेट, टेक केयर, बाय बाय।